अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ डायरीज विद रबिया। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हैं। आज आपके लिए 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैलेड के लिए रेसिपी लेके आई हूँ। सबसे पहले तो ये मैंने बॉयल्ड चने, बॉयल्ड रेड बीन्स, बॉयल्ड पोटैटो, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, खीरा, टमाटर, लेट्स, कैबेज, एप्पल्स, धनिया, हरी मिर्च और पुदीना, लेमन, सम क्रीम चीज़, मेयोनीज एंड इमली की चटनी जो है वो मैंने निकाल ली थी। और अब बारी थी इनको जो है वो ड्रेसिंग करने की और अरेंज करने की और कटिंग करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रोसेस। सबसे पहले मैं बना रही थी रशियन सैलेड। उसके लिए मैंने जो है एक बाउल के अंदर एप्पल्स, पाइनएप्पल्स, ग्रेप्स एंड पोटैटो जो है उनको बारीक बारीक कट कर लिया। और अब मैं जो है उसकी ड्रेसिंग रेडी कर रही थी। यहाँ मैंने 2 चम्मच जो है मेयोनीज ली थी और 1 चम्मच जो है मैंने क्रीम चीज़ इसके अंदर ली थी। क्रीम चीज़ इज़ नॉट एक्चुअली द पार्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, बट इससे थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस टच आता है सैलेड के अंदर। आपका सैलेड जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा जो मेल्टिंग स्टेज पे नहीं आता, ये होल्ड करके रखता है सैलेड को जी क्रीम चीज़ जो है। तो आपका जो मतलब कि फ्लफी फ्लफी सा क्रीमी टेक्स्चर इसके साथ रहता है। और थोड़ी सी मैंने जो है वो 2 चम्मच जो है इसके अंदर क्रीम ऐड कर ली थी और उसको अच्छे से जो है वो स्मूथ पेस्ट बना ली थी। और फिर उसके अंदर जो है नमक, काली मिर्च और शहद डाल के अपनी मैंने जो ये ड्रेसिंग जो है वो रेडी कर ली थी। आप चाहें तो शहद की जगह पे जो है वो शुगर ऐड कर सकते हैं, जो किसी भी शुगर चीनी जो होती है। तो मैं शहद इज़ माय मोस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट्स इन एनी टाइप ऑफ सैलेड ड्रेसिंग। सो मैं तो हमेशा एनी को प्रेफर करती हूँ। हेल्दी भी होता है और कम फैटी होता है एज़ कम्पेयर टू शुगर, बशर्ते कि वो खालिस हो, शुगर मिला हुआ ना हो। तो यहाँ पर जो है मेरी सॉस जो है वो रेडी हो गई थी और मैंने इसको जो है वो अपने जो फ्रूट्स कट किए थे उसके अंदर जो मिक्स कर लिया अच्छे से। और ये माशाल्लाह मेरा रशियन सैलेड मज़े का जो है वो रेडी हो गया। आप चाहें तो कोई भी अपना फ्रूट फेवरेट जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, तो इट्स योर चॉइस। अब बारी थी सेकंड जो है रेसिपी की, वो है इटालियन सैलेड। तो यहाँ पे मैंने जो है लेमन जूस लिया था 2 से 3 टेबलस्पून। 2 to 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर सिंपल विनेगर लिया था सिरका, और 2 से 3 चम्मच ही मैंने ऑलिव ऑयल लिया था। और ऑलिव ऑयल जो है वो एक्स्ट्रा वर्जन कोशिश करें ना हो, उसका थोड़ा सा सॉरी टेस्ट होता है। तो वो सिंपल वाला जो ऑलिव ऑयल है जो फर्स्ट जो होता है जिसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो वाला ले लें। और नमक, काली मिर्च और केचप और थोड़ा सा जो है वो शहद ऐड करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपको ज़्यादा जो है वो मीठा मीठा टच चाहिए उसके अंदर टच चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लें। तो केचप पे भी डिपेंड करता है, आपकी केचप ज़्यादा खट्टी है या फिर थोड़ी सी नॉर्मल है। तो ये आप अपने इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से जो है अपने जो है उसकी क्वांटिटी को अरेंज कर लें। और यहाँ मेरी जो है वो इटालियन सॉस जो है वो रेडी थी जो, और यहाँ पर मैंने रेड बीन्स लिए थे, बॉयल्ड चिक पीस लिए थे और ये प्याज है इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था चॉपर के अंदर, ये मैंने इसके अंदर ऐड किया था। और इसके अंदर मैंने जो है वो स्वीट कॉर्नस ऐड किए थे, एक खीरा बारीक काट के और एक टमाटर बारीक काट के जो है ना उसके अंदर मैंने ये सॉस डाल दी थी और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और माशाल्लाह मेरा ये मज़ेदार जो है वो इटालियन जो टेस्ट था उसके अंदर जो है वो बहुत मज़े का ऑलिव ऑयल का बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आ रहा था। और इंशाल्लाह आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। यहाँ पे अपनी 3rd रेसिपी ट्राई कर रही थी, इसके अंदर मैंने जो है वो ग्रीन जो है वेजिटेबल्स ली थी, रेडिश ली थी
धनिया लिया था, पुदीना लिया था और कैबेज ली थी, कैरेट, क्यूकम्बर, प्याज बारीक चॉप किया हुआ, टमाटर बारीक चॉप किया हुआ, थोड़ी सी ग्रीन चिली और चने लिए थे बॉयल किए हुए, रेड बीन्स लिए थे और नमक, काली मिर्च डाल के और एक लेमन जूस ऐड किया था। और उसके बाद जो है मैंने इमली की चटनी जो है वो 2 से 3 चम्मच जो है वो इसके अंदर ऐड करके अपना ये जो है वो ग्रीन सैलेड जो है वो, यहाँ पे सच में स्वीट कॉर्न डालना भूल गई थी और वो भी थोड़े से मैंने इसके अंदर ऐड किए थे। ये मैं फ्रोज़न स्वीट कॉर्न्स ले लेती हूँ और ये ऑलमोस्ट कुक्ड होते हैं, बस इसको हल्का सा जो है बॉयल दे देती हूँ जिससे प्रॉपरली सॉफ्ट हो जाते हैं। और आप इसको किसी भी टाइप की सैलड ड्रेसिंग में, किसी भी टाइप की जो है वो सिंपल आप खाना चाह रहे हैं इसको वैसे भी खा सकते हैं, चाट मसाला वगैरह लगा के तो बहुत मज़े का बनता है ये। माशाल्लाह मेरे 3 तरह के डिफरेंट स्टाइल्स जो है सैलड माशाल्लाह रेडी थे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए और अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।